नागा पर्वत पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट और दुनिया का नाइन्थ हाईएस्ट माउंटेन है। इसको अक्सर लोग किलर माउंटेन भी कहते हैं, वो इसलिए कि इसका एक्सपेडिशन रेट अभी तक सिर्फ और सिर्फ 28% है। मतलब कि 100 में से सिर्फ 28 लोग ऐसे हैं जो इसको सर कर पाए हैं। लोगों से मुराद वो को पैमा, वो प्रोफेशनल क्लाइंबर्स जो अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी इन पहाड़ों में गुजार देते हैं। ये है फेरी मेडोज, जो कि नागा पर्वत व्यू पॉइंट के नाम से भी काफ़ी फेमस है। फेरी मेडोज का आगाज रायकोट से होता है। रायकोट गिलगित और चलास के बिल्कुल ऐन दरमियान में वाक़ है। इस्लामाबाद से रायकोट का सफ़र तकरीबन 10 से 13 घंटे का है, वो डिपेंड करता है आप कौन सा रास्ता लेते हैं। रायकोट में गाड़ी पार्क करने के बाद आप एक जीप बुक करेंगे जो आपको रायकोट से तातू तक ऑलमोस्ट 1 घंटे में पहुंचाएगी। फेरी मेडोज की ये रोड दुनिया की खतरनाक तरीन सड़कों में से एक है। हमने रात को ही फेरी मेडोज की हाइक स्टार्ट करनी थी, बट हम रात को 9 बजे पहुँचे तो खाना खाते हुए 10 बज गए, तो हमने यहीं पे स्टे किया। और इसके बाद हम आज अभी सुबह हाइक स्टार्ट करेंगे। तो हाइक आई थिंक डिपेंड करता है आपके ऊपर, 3 घंटे 2 घंटे जितना कंफर्टेबल है उसमें डिपेंड करता है। और जिधर हमने स्टे किया था काफ़ी कूल सी जगह है, इसमें यह है कि वी हैव द ऑल वुडन हाउसेस। काफ़ी सुकून था इस जगह पर, जैसे आप ज़िंदगी की मसरूफियात को पीछे छोड़कर कहीं दूर तनहा चले जाओ। और अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो आप पोर्टर्स के हाथ सामान ऊपर भिजवा सकते हैं और काफ़ी मुनासिब रेट है। सामान पैक किया और फिर चल पड़े इन मुश्किल रास्तों में उस कुदरत को तलाश करने। और एक बात और, अपने साथ पानी और खाने पीने की चीज़ें लाजमी रख लें, क्योंकि रास्ते में कोई ऐसी दुकान नहीं है। और खाओ बर्गर इस्लामाबाद वालों, खवा खवा के बर्गर बनो, नहीं चलने वाला। रात दे सकते हैं 10 मिनट हुए और मुझे सांस चढ़ गए, तो पता नहीं 3 घंटे कैसे गुजरेंगे। ओए और जब ऐसे खूबसूरत मनाजिर हों, 3 घंटे क्या 3 दिनों का भी पता नहीं चलता।
हाँ जी, तो फिर पहुँच आए हैं फेरी मेडोज़। द पब्लिक हाउस में चेक इन किया क्योंकि मैंने सुना था पूरे फेरी मेडोज़ में सबसे अच्छा खाना इनका है। कभी कहीं तन्हा बैठे किसी ख्यालात में गुम, एक पल के लिए आपको यकीन नहीं आता कि पाकिस्तान को कुदरत ने इस हद तक खूबसूरती से नवाजा है, और हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम इसकी हर एक चीज़ का बखूबी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। मेरा ड्रोन इस वक्त दरख्त से फंस गया। बंदा ऊपर चढ़ा है और कौन था?